दोस्तों मिर्च मसाला में आपका स्वागत है और मिर्च मसाला में आज हम आपको घर पर बच्चों की फेवरेट चॉकलेट बॉल कैसे बनाते हैं वो बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर और बटर। कंडेंस मिल्क मैंने लिया है 400 ग्राम, जो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत से ब्रांड्स में आते हैं। 400 ग्राम का एक पैकेट आता है, हमें वो पूरा लगेगा। 30 ग्राम मैंने कोको पाउडर लिया है, ये भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, और 30 ग्राम का मैंने बटर का पैकेट लिया है। कंडेंस मिल्क आपको एक पैकेट ही आपको मिलेगा, जो कि 400 ग्राम का होगा, आपको पूरा का पूरा वो पैकेट लगेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। पहले हम एक पैन को गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे स्टोव पर, और जब ये हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे बटर। बटर मैंने यहाँ पे बिना सॉल्ट वाला यूज़ किया है, आप चाहें तो सॉल्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नॉन सॉल्टी बटर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो। और हम इसे मेल्ट होने देंगे। जब हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है तो हम इसे में डाल देंगे मिल्क। तो अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देते हैं, हम पूरा का पूरा 400 ग्राम कंडेंस मिल्क अभी ही डाल देंगे। गैस हमारा लो फ्लेम पे है, ये आप ध्यान रखिएगा, ताकि हमारा कंडेंस मिल्क और बटर जले ना। तो मैंने सारे के सारे कंडेंस मिल्क डाल दिए और हम इसे कंटिन्यूसली स्टियर करते रहेंगे, और हमें इसे स्टियर करना है ताकि ये नीचे जले ना। इसी स्टेज में हम इसमें कोको पाउडर भी डाल देते हैं, 30 ग्राम जो हमने निकाल के रखे थे, और हम इसे स्टियर करते हुए अच्छे से मिला देंगे। आपको ध्यान रखना है ये जले ना, आपको कंटिन्यूस स्टियर करना है और आपका गैस लो फ्लेम में रहेगा। तो हम इसे कंटिन्यूस चला रहे हैं। तो ये देखिए कोको पाउडर बहुत अच्छे से कंडेंस मिल्क के साथ मिक्स हो गया है, ये बहुत ही इवन है। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना, ये आपको ध्यान देना है, और आप इसे कंटिन्यूसली स्टियर करते रहिए। कुछ देर बाद ये देखिए ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह आपको पूरा थिक करना है, गैस आपका हमेशा लो फ्लेम पे रहेगा ताकि नीचे जले ना, चिपके ना। अगर आप इसे कंटिन्यूस नहीं चलाएंगे तो ये नीचे जल सकता है और चिपक सकता है। तो ये अब हमारा थिक हो चुका है, ये देखिए। और जब ये अच्छे से थिक हो चुका है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल के साइड कर लेंगे। पहले हम एक प्लेट में ऑयलिंग कर लेंगे, उसकी ग्रीसिंग कर लेंगे, जब तक ये हमारा थिक हो रहा है। गैस हमने बंद कर दिया, इस प्लेट की मैंने ऑयलिंग कर दी है, ग्रीसिंग कर दी है कोई भी ऑयल या बटर से, और इसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं चॉकलेट अपना। तो मैंने इसे में ट्रांसफर कर दिया है और इसे हम ठंडा होने देंगे। और एक बार जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे करीब 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ताकि ये और भी अच्छे से हार्ड हो जाए। इसे अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, और इसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं। ये देखिए रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे रखने के बाद ये अच्छे से हार्ड हो गया है। ये हमने लिया है चॉकलेट वर्मसिली, जो मार्केट में आपको इसी नाम से मिलेगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तो आप चॉकलेट को ग्रेट कर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डेरी मिल्क चॉकलेट। हम छोटी सी एक लोई लेंगे चॉकलेट की और इसे हम अच्छे से गोल बना देंगे, और इसे हम इस चॉकलेट वर्मसिली में अच्छे से लपेट देंगे। ये देखिए एक लोई बन गई, इसे हमने लपेट दिया है चॉकलेट वर्मसिली में। अगर ये नहीं मिल रहा आपको तो आप कोई भी डेरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट को ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी चॉकलेट बॉल, जो बहुत ही आसान है, एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना कमेंट हमें फीडबैक सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।